हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ वो है राजस्थान CHO की वेटिंग लिस्ट को लेकर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट के अंदर क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर पहुँचे हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखे मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आता रहता हूँ दोस्तों। 9 से 2021 की तैयारी भी आपको कराई जाएगी, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स हम पढ़ेंगे और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सभी का सवाल है कब तक आएगी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट जो है विद इन अ वीक आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज जो है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, ठीक है। 3 डेज के अंदर जो है दोस्तों ज्वाइन करने के लिए बोला था, ठीक है। आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा कि 3 डेज के अंदर ज्वाइन करते हैं उनको, ठीक है, वरना उनका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फिर उसकी जगह पर वेटिंग निकाली जाएगी। ऐसा उन्होंने साफ साफ जो है लिखा हुआ है, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट जो है 3 दिन बाद जो है इनको, जहाँ पे भी हम ज्वाइंट डायरेक्टर के पास ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, वो फिर उनकी लिस्ट जो जो नहीं आएंगे उनकी लिस्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे, जैसे जयपुर या फिर जहाँ पे भी जयपुर ही होगी आप फॉरवर्ड, तो फिर वहाँ से जो है उतनी सीट के आधार पर वो वेटिंग लिस्ट जो है निकाली जाएगी। तो ये जो इस प्रोसेस में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, विद इन अ वीक यानी 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर आपका सवाल आता है कि क्यों वेटिंग लिस्ट आएगी, सब लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट CHO में काम कर रहे हैं, जैसे MP CHO में काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो राजस्थान CHO में सेलेक्टेड हैं, और या तो है वो MP CHO में काम कर रहे हैं, या उत्तराखंड CHO में सेलेक्टेड हैं, या फिर UP CHO में कर रहे हैं, और वो वहाँ से छोड़ के शायद नहीं आना चाहते, किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो इस तरह से जो दूसरे CHO दूसरे स्टेट CHO में काम कर रहे हैं वो लोग जो हैं यहाँ पर जो है ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। या फिर वो 5 लाख के बॉन्ड से डर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अब जैसे 5 लाख का बॉन्ड है और वो चाहते हैं कि हम NORSET पास करना है या कोई परमानेंट जो है उसमें जाना है, तो वो 5 लाख का बॉन्ड नहीं भरना चाहते, ठीक है। यहाँ पे दूसरे स्टेट में 2 लाख का ही बॉन्ड है, तो वो सोच रहे हैं कि हम 2 लाख का बॉन्ड भर के निकल जाएंगे, नौकरी तो यहाँ पे वही करनी है, वहाँ पे वही करनी है। तो इस तरह से कुछ लोगों की सोच बन रही है। उसके बाद जो नॉर्थ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, आप सभी को बताया कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं राजस्थान से, वो बहुत सारे ऑल इंडिया के जितने भी एम्स हैं वहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट्स ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं, तो अभी का तो यही ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ तो राजस्थान के कैंडिडेट अगर एम्स में गए हैं, ठीक है, उसमें फीमेल्स भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। इधर ही कुड भी 80-20 हो चाहे नहीं हो, उसके बावजूद भी राजस्थान स्टेट से ज़्यादा लोग एम्स में हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि NORSET में जो क्वालिफाइड है, ऑब्वियसली जिसके पास एम्स की जॉब है वो तो बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होगा कि राजस्थान में मतलब कि CHO की जॉब करेगा, क्योंकि तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। और अभी इस तरह से तो जिसने ऑलरेडी जो एम्स ज्वाइन कर लिया है वो तो राजस्थान आने वाला है नहीं, तो इस तरह से कुछ सीटें खाली रह जाएगी। उसके अलावा कुछ लोग हैं उनके पास ऑलरेडी बेटर जॉब है, बेटर जॉब का मतलब होता है कि भले प्राइवेट में भी वो कर रहे हैं लेकिन वो प्राइवेट में भी उनके पास अच्छी सैलरी है और अच्छे सारे वर्क्स वगैरह अच्छे हैं और अच्छी पोस्ट है उनके पास, तो शायद गाँव में जो गाना गाँव में जाना चाहते हैं उस उन कुछ वजहों से जो है दोस्तों यहाँ पे वो लोग भी CHO ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ सीटें खाली रह जाएगी और लगभग सीटें खाली रह सकती है दोस्तों। वेटिंग जो आ सकती है वो 1000 से 1500 के पद के आसपास आ सकती है, ठीक है। आप 1000 मान के चले, कम से कम 1000 पदों पे तो आनी ही आनी है, ठीक है। आप मान सकते हैं 7300 में से लगभग लगभग 6 से 6000 के आसपास तो कैंडिडेट ज्वाइन कर ही लेंगे, प्लस माइनस आप 200 लेके चलिए तो इतने कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे लगभग लगभग, बाकी जो है 1000 से 1500 का ही आ रहा है। तो ये है, अब दोस्तों चलते हैं वेटिंग लिस्ट उस कट ऑफ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट कट ऑफ के ऊपर अब आ चुके हैं। कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस जो है
वन मार्क्स आप मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों नॉन टीएसपी की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे मैंने डाइवोर्सी और उनको नहीं लिया है क्योंकि वो सीट जो है पूरी भर चुकी है ऑलरेडी, उनको दूसरे कैंडिडेट्स को ले लिया है उसमें। सिर्फ हम मेल और फीमेल की वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे। ये जनरल मेल की बात करें दोस्तों तो 309.50 रह सकती है इसके आसपास, 291 के आसपास फीमेल की रह सकती है, आसपास बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, तो जब वेटिंग लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। और ये तो एक एनालिसिस के ऊपर है। और ईडब्ल्यूएस में जो है मेल के ऊपर जो है मेल की जो है 277 जो है, अगर 277 से लगा करके जो कट ऑफ मार्क्स थे उसके बीच में किसी के मार्क्स हैं तो यहाँ पे उसके होने के सिलेक्शन होने के वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। फीमेल की बात करें तो 230 जो है वो मार्क्स रहते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए जनरल मेल की 2309.50, जनरल फीमेल की 291, और ई डब्ल्यू एस मेल की 277, ई डब्ल्यू एस फीमेल की 230। ओके, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको वो कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं एम बी सी और ओ बी सी की, ठीक है, अदर स्पेस बैक पार्ट क्लासेस एंड एम बी सी, जहाँ पर भी कुछ कास्ट जो है एम बी सी के अंदर आती है। और मेल की यहाँ पर एम बी सी की जा सकती है 265.50, और फीमेल की लगभग 226 जो है वो कट ऑफ जो है जा सकती है जब हम वेटिंग की बात करेंगे तब। और ओ बी सी यानी अदर वेस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो है उनकी जो कट ऑफ है लगभग 292.33 मेल की और 282.59 फीमेल की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ से ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ जो है ओ बी सी से भी कम है। तो जो भी जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, जिससे कि उनका नॉर्थ सेट में या दूसरे सभी एग्जाम में फायदा होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद एस सी की बात करें, एस सी में मेल की 281 के आसपास जो है दोस्तों कट ऑफ जा सकती है, 258 जो है 258.5 फीमेल की जा सकती है दोस्तों। फिर एस टी की बात करें तो मेल की 253.33 एंड 211.59, ठीक है, फीमेल की और मेल की इस तरह से होगी। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन टीएसपी की, ठीक है। टीएसपी में जो है कुछ ही डिस्ट्रिक्ट आती है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ हिस्सा, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा, उदयपुर का कुछ हिस्सा, इस तरह से आता है। तो उसकी बात कर लेते हैं, वहाँ की ऑलरेडी कट ऑफ कम थी और वो भी कम जाएगी वेटिंग की आने के बाद। तो यहाँ पे मेल की बात करें तो 267 के आसपास जा सकती है, फीमेल की बात करें तो 247 के पास आसपास जा सकती है दोस्तों। एस सी कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल की 239 एंड फीमेल की बात करें तो 220.5 जो है वो जा सकती है। यहाँ पे ओबीसी वगैरह ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स वो अलग से कुछ नहीं है, फिर सिर्फ एस टी एस सी और जनरल। देन मेल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एस टी मेल की बात करें तो 214, 214 जो है वो कट ऑफ जा सकती है। एस टी फीमेल की बात करें तो 200 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। तो ये इस तरह से हमारा कट ऑफ का कुछ एनालिसिस था दोस्तों। कैसा लगा आपको? आप वीडियो को लाइक करो, जरूर करें, लाइक करके हमें बताएं। और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगा और हम अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।